शिवांगी, वेलकम टू माय चैनल। आज फाइनली आ चुकी है हमारी सा मम्मा। हाय। सबसे पहले जनता जवाब चाहती है, आपको इतना टाइम क्यों लगा वापस आने में? हमारा चैनल है, बच्चों का चैनल है। एक सेकेंड, बच्चों का चैनल है, आपका काम है, मतलब आप क्या बच्ची नहीं हो? हाँ, दिल तो बच्चा है। आपको क्या लगता है आज क्या होने वाला है? मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो आज आप मुझे रैंडम चीजें बोलोगी बनाने के लिए, एंड विद इन 60 सेकंड्स मुझे वो बनानी होंगी। जैसे भी बनेगी, तैसी भी बनेगी, मुझे वो अपनी ऑडियंस को दिखानी होगी, आपको दिखानी होगी, और फिर आप लोग मिलके जज करोगी कि मैंने कैसा बनाया। ठीक है, ओके। सो मैंने अपनी सारी, लिटरली सारी सामग्री इकट्ठी कर दी है, एंड लेट्स सी हम कितना कर सकते हैं, क्या करेंगे। एंड मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा आज से। क्यों? क्या जब पता नहीं क्या बोलती हूँ मुझे बनाने के लिए। मैं अपने पहले सारे आर्ट के सप्लाईज खोल देती हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना आए हम लोगों को। रुको, मुझे अपनी स्केचबुक तो खोलने दो फटाक से। चलो, फर्स्ट चीज गणपति जी, छोटा छोटा बनाऊंगी सब कुछ। हाँ, छोटा ही। समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं यार, इतना कम टाइम है मम्मा, 60 सेकंड्स में गणेश जी कैसे पॉसिबल है? बन जाएंगे सही में यार, 60 सेकंड्स में बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा। जानबूझ के किया ना मम्मा? नहीं गाइस, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। गणेश चतुर्थी आने वाली है, इसलिए मैंने सोचा यही बना लेते हैं। मॉडल भी दिखा दिया। ओके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर। मैं इसमें कलर ही नहीं कर पाई यार। कोई बात नहीं, क्या हो रहा है यार मेरे साथ? ऐसा लग रहा है क्यों जिंदगी में मैंने पहले कभी पीकॉक नहीं बनाया था। देखो यार, आज के दिन कोई मेरे ड्रॉइंग स्किल्स को बिल्कुल भी जज नहीं करेगा, बिकॉज मेरे पास सोचने का भी टाइम नहीं है। 60 सेकंड में मुझे फटाक से बनाना है। जल्दी टाइम्स अप यार, मुझे इतना अच्छा। Anyway, now moving on to our next piece, guys. I need your wishes. क्योंकि मम्मा मुझे बहुत ज्यादा difficult चीजें देती है। बोलो बात, आपको आज रात को मेरे साथ ही रहना। हाँ, कोई difficult नहीं है। मुझे लगा पता है बोलोगी बॉल, टेबल, हॉट फ्लावर। मैं लिटरली ये सोच के बैठी थी, ये क्या कर रही है बता नहीं मेरे साथ। आप मेरी बेइज्जती कराना चाहते हैं? नहीं, बेइज्जती नहीं, मेरे को सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। एनी पेट एनिमल? क्यों कर रही है जिंदगी में कभी मुझे पेट एनिमल दिलाती ना 5 सेकंड तो आप करती जिंदगी। मम्मा ने मुझे कभी 5 सेकंड बहुत गंदी हो गई हो। तो फेस बना रही हूँ मैं, डॉग नहीं है ये, मैं काउ बना रही हूँ, बिकॉज आई लव काउज, इज सुपर क्यूट। देखो यार, बहुत ज्यादा डिटेल्स तो मैं नहीं यहाँ पे शो कर सकती क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है। एंड मम्मा, अब आप देखना मैं क्या करूंगी नेक्स्ट टाइम से। तो जल्दी से शेड भी कर देती हूँ फटाक से, जितना पॉसिबल है उतना। एंड फाइनली टाइम इज अप। ओ गॉड, मुझे शर्म आ रही है यार ये दिखाते हुए। आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। वेरी गुड, ठीक है। आप टफ क्यों दे रही हो मम्मा? कोई टफ नहीं है। अब वो भी मैं पेंसिल से बनाती जा रही हूँ। अब मैं लूंगी कलर पेंसिल्स। नेक्स्ट डॉल। हे भगवान, इस चैनल में इतनी सारी डॉल्स बना दी है, बट अभी ऐसा लग रहा है मुझे डॉल बनानी नहीं आती। सच बता रही यार, 60 सेकंड्स का जो चैलेंज है ना, ये बहुत ही जानलेवा है। आप सभी लोग सुन लो, मुझे बनाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बनाना आता ही नहीं है कुछ। मेरा ड्रॉइंग और पेंटिंग से कोई नाता ही नहीं है, विच इज सो क्रेजी। जल्दी जल्दी जल्दी। हे भगवान, बन गया यार मम्मा ऑलमोस्ट। अब 30 सेकंड्स में आप क्या चाहो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे नहीं करना ये चैलेंज। नेक्स्ट अर्बन स्केचिंग, फटाफट। अर्बन स्केचिंग कैसे हो जाएगी मम्मा 60 सेकंड्स में? टाइम स्टार्ट्स नाउ। यार ये मम्मा बहुत बेकार हो गई हो पता है। वेरी गुड। कभी जिंदगी में मैंने सोचा नहीं था कि मेरी माँ मुझसे ऐसा बदला लेगी। क्यों कर रही हो यार आप ऐसा? 10 सेकंड्स मम्मा, मैं नेक्स्ट टाइम से देखना आपके साथ कोई चैलेंज नहीं। 15 यही चाहती थी ना आप, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही हो। देखो अंदर ही अंदर कितनी खुश हो रही हो आप। 20 यही चाहती थी ना आप मम्मा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा कर रही हो। नहीं नहीं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। कुछ भी नहीं किया हुआ मैंने लिटरली यार, 60 सेकंड में जूप जूप जूप, इतना ही पॉसिबल था। इससे ज्यादा चाह के भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एंड ओके नेक्स्ट सी एनिमल जल्दी से फटाफट। देखो 60 सेकंड्स के अंदर अंदर तो मैं फिश ही बना सकती हूँ, तो मैं जल्दी से फिश बना रही हूँ। हालांकि इसके होंठ मैंने इतने मोटे क्यों कर रखे हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट ओ गॉड दिस इज सो क्रेजी, दिस चैलेंज इज क्रेजी।
थोड़े कार्टून स्टाइल में बना रही हूँ। बट यार मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास टाइम है आप भी ये 60 सेकंड्स चैलेंज जरूर ट्राई करना, बिकॉज इसमें ना वो पैनिक स्टेज में समझ में भी नहीं आता क्या बनाए क्या ना बनाए, ऊपर से ड्रॉ भी करना है, इट इज सो कंफ्यूजिंग एंड अल्टीमेटली जो आप बना रहे हो थोड़ा ढंग का लगना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में ना काफी ज्यादा मजा भी आता है नो डाउट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू ट्राई इट आउट विद योर मदर फादर सिबलिंग किसी के भी साथ, दोस्तों के साथ करना कर लो, इट इज सो मच फन। ये तो 15 सेकंड हुए हैं अभी। अब जबरदस्ती इस पर डिटेल्स ऐड करती रहो। चलो भैया डिटेल्स ऐड करती हूँ, चलो वो भी ऐड करके देख ही लेती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा ढंग का लगे। बट स्टिल यार 10 सेकंड 5 सेकंड में भी कुछ नहीं होने वाला है, बट लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। आई जस्ट होप ये एंड में थोड़ा सा तो ढंग का लगे यार। ये क्या था? लास्ट मम्मा लास्ट है ये, अब आप बताओ। But not least, yes. प्यारा सा मेरा पर्स हैंडबैग। इतनी रैंडम चीज आप सोच भी कैसे रही हो मम्मा? मैंने लिटरली सपने में भी नहीं सोचा था मेरी मम्मा मुझे ये सारी चीजें देगी यार बनाने के लिए। काश मम्मा के साथ पहले से ही प्लानिंग कर लेती। मम्मा ऐसा मत करो यार, मैं इतना गंदा डिजाइन बना रही हूँ जो मैं खुद कभी खरीदना जाऊँ। मुझे अच्छा डिजाइन चाहिए नहीं तो फेल कर दूंगी। बहुत सारी पॉकेट्स बना रही हूँ आपके लिए और ढेर सारी बाहर भी पॉकेट्स, यहाँ की भी पॉकेट, जिससे कि आप इतना फोन रख। ओके सो जल्दी से भी इस वाले पीस को भी लास्ट पीस को भी कंप्लीट करते हैं। एंड मम्मा को तो अब शांति मिली गई होगी डेफिनेटली कि आज उन्होंने मुझे कितना परेशान करा है यार। मम्मा तो असली खिलाड़ी निकली, मैं मजाक भी नहीं करी यार। बट एनीवे यार इसी भड़बड़ के साथ हमारा लास्ट पीस भी कंप्लीट होता है। अब फटाक से देखते हैं कि हमने बनाए कितने पीसेस हैं अभी तक। ओके गाइस तो इन टोटल आज हमने बनाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पीसेस। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत मजा आया, काफी डिफरेंट था। और गणपति जी से स्टार्ट हो तो और भी अच्छा लग रहा है। अब मुझे तो ऐसा लगा कि स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, पैनिक स्टेज में थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मम्मा इतनी रैंडम चीजें बोल सकती है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे चैलेंज आगे बढ़ता गया मैं थोड़ी बेटर हुई, मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया एंड मैं थोड़ा थोड़ा शेडिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाई। सो यस इन शॉर्ट मैंने जो कलर चेंज किया था ना अपनी पेंसिल का, दैट वॉज द बेस्ट थिंग एवर। तो अगर आपको ये चैलेंज वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं बोलूंगी और मम्मा ड्रॉ करेंगी, नहीं वो नहीं, तो मतलब नहीं, वो नहीं, बिल्कुल वो होगा, वो होगा, मुझे नहीं आती ड्राइंग। नहीं, नहीं नहीं, मम्मा को बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, जस्ट टेलिंग यू गाइस, मम्मा को बहुत अच्छी ड्राइंग आती है। तो झूठ बोल रही हो। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम क्या मम्मा? अब नहीं, अब मैं बोर हो गई। ओह बोर हो गई। ओके गाइस सो दिस वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। फाइनली सा मम्मा का कमबैक हुआ है, कितने महीनों बाद मम्मा? बहुत काउंट नहीं कर सकते। एंड आई नो आप लोग मम्मा को उतना ही मिस कर रहे थे जितना मैं मिस करी थी मम्मा को चैनल पे। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय।